छह पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनके सैंपल वाराणसी भेजे गए हैं। शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि कुछ बुखार के मरीज हैं, उनमें टेस्ट कराने पर छह मरीज RSI संक्रमित मिले हैं। सभी का सैंपल कंफर्मेशन के लिए वाराणसी भेजा गया है। डेंगू के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग 10-10 बेड के वार्ड बनाए गए हैं। जो भी मरीज मिलेंगे उन्हें वार्डों में एडमिट किया जाएगा। कुछ बुखार के जो मरीज आ रहे हैं उसमें कुछ हम लोगों ने जो टेस्ट कराए हैं उसमें NS1 छः मरीज पॉजिटिव हुए, उनके सैंपल बनारस भेजा गया है कन्फर्मेशन के लिए। अब एलिजा टेस्ट 2 दिन बाद यहाँ अस्पताल में ही होने लगेगा। किट आज रात में आ गई है, मशीन आज इंस्टॉल हो जाएगी, परसों से यहाँ जाँच शुरू हो जाएगी। और डेंगू के लिए हमारे पास आपने देखा 10-10 बेड के 2 वार्ड हैं, एक में पुरुष को रखे हैं, एक में महिलाओं के लिए रखे हैं, उसमें मच्छरदानी भी लगी हुई है। तो सारी यहाँ व्यवस्था है और मरीज जब पॉजिटिव होगा तो उन वार्डों में रखा जाएगा और सारा इलाज है। पूरी दवाएं और हाँ पूरी दवा यहाँ उपलब्ध है शासन के द्वारा। और इसमें दवा बहुत नहीं लगती है, इसमें मेनली पैरासीटामोल और रिंगर लैक्टेट और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का जरूरत पड़ता है। और कुछ प्लेटलेट घटते हैं, जैसे मैंने मेडिकल वार्ड में 14 नंबर लड़की को मैंने उसको प्लेटलेट बढ़ाने की दवा आज LP करके 10 दिन की दी है, तो आप उनको मिल लीजिएगा। तो जिन लोगों को ज़रूरत होता है मैं उनको प्लेटलेट बढ़ाने की दवा देता हूँ, उसका प्लेटलेट ट्रेंड में डाउनवर्ड्स गिर रहा है, लेकिन वो डेंगू नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव नहीं है, किसी कारण से प्लेटलेट कम हो रहा है। फिरोजाबाद, मथुरा, रायबरेली के बाद अब कासगंज में भी वायरल बुखार ने दस्तक